ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर में हजारों लोग काल की गाल में समा गए। इनमें बड़ी संख्या में शिक्षक भी हैं। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक के आंकड़ों पर यकीन करें तो बिहार में 600 से ज्यादा शिक्षकों की मौत कोरोना से हो गई, लेकिन उन परिवारों को अभी तक सरकारी मदद नहीं मिली है, न शिक्षा विभाग की तरफ से न सरकार की तरफ से। हालात ऐसे हैं कि कई परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कोरोना से 600 शिक्षकों की हुई मौत, मदद के इंतजार में है पीड़ित परिवार, पीड़ितों के सामने रोजी रोटी का संकट। जी हां, रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। यकीन ना हो तो बाईपास के पास रहने वाले उमेश की बात सुन लीजिए। 28 अप्रैल को इनकी पत्नी सुनंदा की मौत हो गई। 4 महीने बीत गए हैं लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं मिली, न विभाग से न सरकार से। अब हालात ऐसे हैं कि परिवार दाने दाने को मोहताज है। अभी तक कोई एक भी रुपया नहीं मिला है, कोई भी डिपार्टमेंट से कुछ भी रुपया नहीं मिला है। 2 दिन पहले आपदा प्रबंधन से एक फोन भी आया था, वहाँ से बोला गया कि DCLR के पास जाइए, अपना डॉक्यूमेंट सब दिखाइए। DCL साहब से हमने जाकर डायरेक्ट मिले, उन्होंने बोला कि इनको कुछ नहीं मिल सकता है, इनका जो है RT-PCR रिपोर्ट नहीं है, जबकि मेरे पास CT scan का रिपोर्ट था। हालांकि कुछ खुशकिस्मत भी हैं कि जिनको सरकारी मदद मिल गई। दीघा की सुषमा मिंज उन्हीं में से एक है। 29 अप्रैल को इनके पति की मौत हो गई और फिर उन्हें सरकार की तरफ से 4 लाख अनुदान मिल गया। वो एक सरकारी टीचर थे, यहाँ दीघा उत्क्रमित मध्य विद्यालय बांसकोठी में। कोविड से एक्सपायर किए हैं। 29 अप्रैल को विभाग से कोई सहायता नहीं मिला है। जो हमारे पास पैसा था, बैंक में जो कुछ था, उसी से भी चल रहा है। लेकिन सवाल तो 600 शिक्षकों के परिवार का है जो आज भी मदद के इंतजार में है। शिक्षक संघ के आंकड़ों की माने तो पटना में 53 शिक्षकों की मौत हुई, मुजफ्फरपुर में 23, पूर्वी चंपारण में 31, पश्चिमी चंपारण में 27, नालंदा में 29, भागलपुर में 24, बांका में 21, भोजपुर में 31, कटिहार में 20, मधुबनी में 21, गया में 29, समस्तीपुर में 24, जहानाबाद में 20, रोहतास में 18, सीवान में 30, सहरसा में 10, मुंगेर में 6। सभी 38 जिलों को मिलाकर कुल 604 शिक्षकों की मौत कोरोना से हुई। EPF के तहत जो पैसा मिलना चाहिए था, ग्रेचुटी का सुविधा नहीं है, वो भी पैसा नहीं मिलता है। तो आज ये शिक्षक जो है पूरी तरह से, वो पूरा परिवार आज जो है सो लाचार है, भुखमरी के कगार पर है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से कोरोना से मौत पर 4 लाख का मुआवजा देने का प्रावधान है, लेकिन सवाल उठता है कि कितने शिक्षक परिवारों को ये मुआवजा मिला है। शिक्षक संघ की बातों पर भरोसा किया जाए तो सिर्फ 30% पीड़ित परिवार तक ही मुआवजे की राशि पहुंची है। सरकार ने निर्धारित करके रखा है कि उनको 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का उनके परिजनों को भुगतान किया जाता है और उससे हमारे शिक्षक भी किसी हाल में वंचित नहीं रहे। ये तो जग जाहिर है कि सरकारी मदद पाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। महज 30% शिक्षक परिवार तक मदद पहुंची है, बाकी का क्या होगा? क्या वो दर दर की ठोकर खाएंगे? बड़ा सवाल। अब इन मृतक शिक्षकों के परिजन दर बदर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हैं और शिक्षा विभाग से अब तक इन्हें कोई सहायता नहीं मिली है। कैमरा पर्सन निशांत के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। इस बुलेटिन में